आज हम जानेंगे, हमें ये मशीन पे डाउट है, हमको लग रहा है कि इसमें एरर है, एरर है कि नहीं है वो आज हम चेक करने वाले हैं। और अभी हम दो स्टाफ लेके आएंगे, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट दिखाऊंगा स्टाफ को कैसे फिक्स करते हैं, और उसके बाद मशीन फिक्स करके पूरी डिटेल आपको दिखाऊंगा। और कभी कभी एरर आ जाता है, तो हमको एरर कैसे मालूम करना है, इसके लिए हमको दो जगह स्टाफ को फिक्स कर देना है, दो स्टाफ लेना है। एक स्टाफ को वो हिले नहीं डुले नहीं, ऐसा डीपी होना जरूरी नहीं है, सिर्फ वो हिले नहीं ऐसी जगह पे उसको एक जगह फिक्स करना है एक स्टाफ को। दूसरे स्टाफ को दूसरी लोकेशन पे फिक्स करना है। कितना डिस्टेंस कितना रहना चाहिए दोनों में? डिस्टेंस 100 मीटर। ओके, 100 मीटर के आसपास का डिस्टेंस रहेगा दोनों में। इसमें ऑटो लेवल फिक्स करेंगे, अभी हम दूसरा स्टाफ लगाने के लिए जा रहे हैं, एक जगह फिक्स कर देंगे। ये कितना मिल जाएगी? कर दिया, ये हिलना नहीं चाहिए, ये बस ऐसी जगह पे इसको फिक्स कीजिए, इलेक्ट्रिक पोल या किसी दीवार से या कोई खंबे से फिक्स कर देने का दोनों स्टाफ को। अभी इसके बाद हम मशीन लगाएंगे। बताओ पॉइंट वाला पॉइंट का बताओ। अभी मशीन को हमने लगभग इससे 25 मीटर दूर कर लिया है इसे सेट, और उससे 75 मीटर। तो टेक्निकली लैंग्वेज में ए पर एक स्टाफ, बी पर एक स्टाफ को फिक्स करेंगे, और सी पर मशीन को फिक्स करेंगे। सी में एक स्टाफ से दूरी 25 मीटर 30 मीटर के आसपास होनी चाहिए, और दूसरे से थोड़ी नहीं होती है इसमें, सिर्फ इसमें ए बी सी डी तीन पॉइंट की जरूरत होती है, और स्टाफ की रीडिंग सेम आनी चाहिए तो मशीन में एरर नहीं है। जमीन ऊपर नीचे भी जा सकती है ना, उसकी वजह से तो अलग अलग आएगी ना उसका वो आएगा क्या? कट करूंगा बाद में। करो निकल कैलकुलेटर। 17 में से 9 गए तो 8, तो कैलकुलेशन हो बताओ ना। अभी ये फर्स्ट सी सी रीडिंग 1.180, डी रीडिंग 1.182, दिस माइनस दिस 2 mm, मतलब 2 mm की हाँ एरर, प्लस में या माइनस में? माइनस में, प्लस माइनस नहीं, वो एरर माना जाता है। ठीक है, अभी डी पॉइंट को कैसे ये किया था कि जैसे सी पॉइंट को सेट किया वैसे डी पॉइंट को सेट करने के बाद दोनों पॉइंट की रीडिंग ले ली और दोनों का डिफरेंस निकाल लिया, डिफरेंस निकाल, तो जो आंसर आया हाँ इसका आंसर और इसका आंसर कंपेयर किया तो जो एरर डिफरेंट आया वो एरर। तो इस तरीके से एरर का मालूम पड़ता है।